Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 7, Permutation, Combination and Probability. और exercise हम 7.5 कर रहे हैं. Exercise 7.5, और ये exercise 7.5 का third part है. ठीक है, तो इस अभी तक हमने question number 5 तक solve किए हैं questions. अब हम question number 6 तक आते हैं. Question number 6 इस lecture से start करते हैं. Question number 6 है, from a box containing slips numbered, यानि कि उन slips के ऊपर number लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5. ठीक है, one slip is picked up, यानि कि उसमें से हम कोई एक slip जो है वो उठाएंगे. एक box है जिसमें slips पड़ी हुई हैं, उन slips के 5 slips हैं. ठीक है, और उन 5 slips पे number लिखे हुए हैं. एक slip पे 1 लिखा हुआ है, एक दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथी पे 4, पांचवी पे 5. अब उन slips में से बगैर देखे जो है एक slip उठानी है. ठीक है, तो उस slip के ऊपर कौन सा number होगा, यानी कि कितने number वाली slip हम उठाएंगे, ये हमने probability देखनी है. Probability पहले part में ये देखनी है कि कितनी probability है कि the number on the slip is prime number. कितनी probability है कि जो हम slip उठाएंगे उसके ऊपर prime number होगा. Prime number कौन-कौन से होते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं. चलें पहले sample space बना लेते हैं. Sample space क्या है कि total कितनी possibilities हैं, या हम slip number 1 उठाएंगे, या 2 उठाएंगे, या 3 उठाएंगे, या 4, या 5. इसके अलावा तो कोई नहीं है ना, slip ही नहीं है तो हम उठा कैसे सकते हैं इसके अलावा कोई और. ठीक है, तो n of s is equal to आ जाता है 5. और हमें हमारा focus इस तरफ है. ठीक है, event उसे कहा जाएगा, या आप उसे कह सकते हैं कि favorable outcome. ठीक है, वो क्या है कि the number on the slip is prime number. Prime number इन में से कौन-कौन से हैं, 2, 3 और 5, ये इन में से prime numbers हैं. तो कितनी probability है कि हम ये वाले number 2, 3 और 5 उठा सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने probability find करनी है. अब यहाँ से आप देख सकते हैं n of e, आप find कर सकते हैं n of e is equal to कितने, 1, 2, 3 हैं. ठीक है, तो अब आप इसकी probability आसानी से find कर सकते हैं formula में put करके n of e divided by n of s find करें. ठीक है, n of e 3 है, n of s 5 है, 3 by 5 probability बनती है कि आप इन 5 slips में से 2, 3, 5 उठाएंगे. ठीक है, यानी कि prime number वाली slip उठाएंगे. तो second इसका part क्या है, second part है the number on the slip is multiple of 3. Three का multiple कैसे हो सकता है? ठीक है, इनमें से आप देख लें. चलो मैं दोबारा sample space बनाता हूँ. Is equal to 1, 2, 3, 4, 5. ये हमारे पास sample space है, और n of s is equal to हमारे पास 5 है. ठीक है, तो इनमें से multiple of 3 कौन-कौन से हैं? Multiple of 3 एक ही है, 3. तो इसका जो है event 3 आ जाता है, और n of e is equal to किसके equal आ जाएगा, कितने elements हैं, 1 है. तो इसको भी हम अब formula में put कर देते हैं और probability find कर लेते हैं. P of e is equal to 1/5 आ जाएगी. ठीक है, तो ये probability है कि हम multiple of 3 वाली slip उठाएंगे, यानी कि 3 जिसके ऊपर लिखा होगा. ठीक है, तो इतनी probability है. अच्छा, ये तो था question number 6. अब हम question number 7 पर आते हैं. Question number 7 में है, two dice एक red color में है, one red color and second one जो है वो blue है. ठीक है,
आर रोल्ड, उसे रोल किया गया है। ठीक है, दो डाइस हैं, उनको एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की है, उसको रोल किया गया है साइमल्टेनियसली एक साथ में। अच्छा, फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडिड। ठीक है, जो टॉप पर जो आएंगे नंबर्स उनको ऐड किया जाए। ठीक है, तो द टोटल ऑफ टू स्कोर्स इज द टोटल ऑफ टू स्कोर्स इज। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पहले आपके सामने वो तो रख दिया, लेकिन फाइंड ये करना है द टोटल ऑफ स्कोर इज फाइव। एक हमने देखना है कि फाइव कब आता है, यानी कि दोनों डाइस को जब हम रोल करते हैं, लेट्स सपोज ये एक मैं बनाता हूँ, यहाँ पर एक डाइस इस तरह से है, ठीक है, ये डाइस है, इसके ऊपर आता है जी थ्री डॉट्स हैं, लेट्स सपोज ये थ्री डॉट्स इधर आ गए, ये टू आ गए, ये वन आ गया। ठीक है, इसके साथ एक और जो है, ये एक जो है वन रेड एंड द अदर ब्लू, एक रेड है, ठीक है, एक रेड मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये एक और डाइस है, इसके ऊपर है जी टू, यहाँ पर वन आ गया, यहाँ पर थ्री आ गया, जो भी है। ठीक है, तो ये है जी टू डॉट्स प्लस थ्री डॉट्स। अब इन दोनों को हमने जो टॉप पर डॉट्स है ना उनको सम करना है। अब ये देखें, इसके ऊपर टू है, इसके ऊपर थ्री है, तो ये फाइव बनता है। तो हमने इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने हैं कि दोनों डॉट्स पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोनों के टॉप के डॉट्स को ऐड करके हमारे पास फाइव आएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो ये पॉसिबिलिटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, देखें, सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे ना। सैम्पल स्पेस क्या बनती है जी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि हमारे पास आ सकता है वन वन आ सकता है टॉप पर, ठीक है, वन टू भी आ सकता है टॉप पर, वन एक डॉट पे एक डाइस के डाई के ऊपर वन और दूसरे के ऊपर थ्री डॉट्स आएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है, वन और फोर का कॉम्बिनेशन आ सकता है, वन और फाइव का कॉम्बिनेशन आ सकता है, और वन और सिक्स का कॉम्बिनेशन आ सकता है, इसके अलावा टू वन का, टू टू का कॉम्बिनेशन, टू थ्री का कॉम्बिनेशन, टू और फोर का कॉम्बिनेशन, टू और फाइव का कॉम्बिनेशन, टू और सिक्स का कॉम्बिनेशन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक डाई के ऊपर थ्री डॉट्स हों और एक के ऊपर वन डॉट, ये भी हो सकता है, थ्री टू का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, थ्री थ्री का, थ्री फोर का, थ्री फाइव का और थ्री सिक्स का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा फोर एक डाई के ऊपर हैं और दूसरे के ऊपर वन डॉट, इसके अलावा एक पे फोर डॉट्स हों और दूसरी के ऊपर टू डॉट्स हों, ये भी हो सकता है। ठीक है, फोर थ्री का कॉम्बिनेशन, फोर फोर का, फोर फाइव का एंड फोर सिक्स का, इसके अलावा फाइव वन का कॉम्बिनेशन, फाइव टू का, फाइव थ्री का, फाइव फोर का, फाइव फाइव का, फाइव सिक्स का और इसके अलावा सिक्स वन का, यानी कि एक डाई के ऊपर सिक्स डॉट्स हों और एक के ऊपर वन हो। ठीक है, सिक्स टू का, सिक्स थ्री का, सिक्स फोर का, सिक्स फाइव का और सिक्स सिक्स का, ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, आप इनको कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस बन जाती है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं सैंपल स्पेस के। ठीक है, तो एन ऑफ
एस आपके पास क्या आया 36। अब इसमें से कौन से ऐसे यानी कि हैं कॉम्बिनेशंस जिनके जिनको ऐड करें तो हमारे पास 5 आता है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि द टोटल ऑफ टू स्कोर्स इज 5। ठीक है, तो 5 देखते हैं, इनको देखें, नहीं 5 नहीं बनता, इनको भी नहीं बनता, इन दोनों को ऐड करें तब भी 5 नहीं बनता, इन दोनों को ऐड करें फिर भी 5, ये 1 + 4 = 5। ठीक है, उसके अलावा इसमें से देखें आप 2 और 3 = 5। ठीक है, और इसको आप ऐड करके चेक करते जाएं, 3 और 2 ये भी 5। ठीक है, उसके अलावा आप देखें ये 4 + 1 = 5। उसके अलावा कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा जिसको ऐड करने से हमारे पास 5 बने। तो ये 4 हमारे पास जो हैं वो इवेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह लेते हैं कि n ऑफ e इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमने जो है प्रोबेबिलिटी इनकी फाइंड करनी है कि कितने चांसेस हैं कि इन सब में से, इन 36 में से ये टॉप पर आएंगे, 4-1 का कॉम्बिनेशन आया, 3-2 का, 2-3 का या 1-4 का। ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमारे पास एन ऑफ ई भी आ चुका है, एन ऑफ एस भी आ चुका है, तो 4/36 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा साफ करके लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 4/36 यानी कि 1/9। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो टॉप पर दोनों डाइस को जब हम रोल करेंगे और हमारे पास टॉप पर ये 4 आ सकते हैं, यानी कि सम ऑफ जिनका सम बनता है स्कोर्स का 5। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7, उसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बैग कंटेन्स 40 बॉल्स, ए बैग कंटेन्स 40 बॉल्स, 40 बॉल्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच 5 आर ग्रीन, आउट ऑफ विच 5 आर ग्रीन, 15 आर ब्लैक, 15 बॉल्स जो हैं वो ब्लैक हैं एंड रिमेनिंग आर येलो। ठीक है, तो ए बॉल इज टेकन आउट ऑफ बैग, एक बॉल उसमें से निकालनी है। ठीक है, ए बॉल इज टेकन आउट ऑफ बैग, बैग में से एक बॉल बाहर निकालनी है, तो हम देखते हैं कि द बॉल इज ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है, द बॉल इज कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बॉल जो है वो ब्लैक होगी। अब आप देख लें खुद ही कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 40 हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों का सम इज इक्वल टू 40 है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 40 है। अब आप इसमें से देखें कि जब ब्लैक के ऊपर फोकस हो रहा है तो ब्लैक कितनी बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स 15 है। ठीक है, तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू 15, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं, 15/40। ठीक है, 15/40 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि बॉल ब्लैक होगी। इसके अलावा सेकंड पार्ट है, बॉल इज ग्रीन, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बॉल जो है वो क्या है, ग्रीन है, और ग्रीन बॉल्स कितनी है ये देखें आप, ग्रीन बॉल्स हैं 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 5/40। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, द बॉल इज नॉट ग्रीन, द बॉल इज नॉट ग्रीन, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बॉल ग्रीन नहीं है, ये हमने देखना है। सबसे पहले तो हमने देखा कि बॉल ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/40 यानी कि 1/8। ठीक है,
तो वो वाला टॉपिक आप याद करें कि जिसमें हमने देखा था कि द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट डज नॉट ऑकर, वो क्या था? वो था कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम पहले फाइंड कर लें, फिर उसको वन में से माइनस कर दें, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि इवेंट डज नॉट है ऑकर। ठीक है, तो हमें पता है कि ग्रेन की प्रॉबर्टी हम पहले निकाल चुके हैं, तो ग्रेन की प्रॉबर्टी 1/8 है, 1 में से माइनस करते हैं, उसका मतलब ये है कि ग्रेन नहीं आएगा, उसकी प्रॉबर्टी ये है 1 - 1/8। ठीक है, तो ये बनती है 7/8। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है वन चिट आउट ऑफ 30 कंटेनिंग, हर एक चिट पे क्या लिखा हुआ है, कंटेनिंग द नेम्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑफ अ क्लास ऑफ 18 बॉयज, और उसमें से 18 लड़के हैं एंड 12 गर्ल्स। ठीक है, क्लास में 18 लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं। ठीक है, और 30 चिट्स हैं, हर एक चिट के ऊपर हर एक स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। ठीक है, तो इज टेकन आउट रैंडम, यानी कि उस वो चिट हमने निकाली है, उठाई है। ठीक है, फॉर नॉमिनेशन एज द मॉनिटर। ऑफ द क्लास, मतलब कि हमने क्लास का एक मॉनिटर बनाना है, तो टीचर क्या करता है कि 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 30 चिट्स के ऊपर हर एक स्टूडेंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, और फिर उसमें से एक चिट उठा लेते हैं कि एक हमने जो है मॉनिटर बनाना है क्लास का, जिस तरह से कुरानदाजी होती है उसी तरह से, यानी कि नॉमिनेशन हमने करनी है किसी एक की एज ए मॉनिटर। ठीक है, ऑफ द क्लास, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मॉनिटर जो है वो बॉय होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो हमने ये चेक करनी है, पहला पार्ट क्या है इसका, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि द मॉनिटर इज अ बॉय। ठीक है, तो अब यहाँ से हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, देखें बॉयज कितने हैं, पहले तो टोटल बताया ना, टोटल सैंपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स वो हैं 30 हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज तो 30 है ना, लेकिन अब इसमें बॉयज़ कितने हैं, क्योंकि हमने हमारा फोकस बॉयज़ के ऊपर है अभी, क्योंकि हमने चेक करना है कितनी प्रॉबिलिटी है कि बॉय जो है वो मॉनिटर होगा। तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू 18 बॉयज़ हैं तो 18 ही उसकी इवेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप देखें, इस से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं 18 / 30, ये प्रोबेबिलिटी बनती है, इतनी प्रोबेबिलिटी बनती है कि मॉनिटर जो है वो लड़का होगा। ठीक है, और कितनी प्रोबेबिलिटी है, सेकंड पार्ट है इसका, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि द मॉनिटर इज अ गर्ल, यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि लड़की जो है वो मॉनिटर बनेगी, ये भी सिंपल सा है, टोटल सैंपल्स हमें पता है 30 है, और गर्ल्स भी हमें पता है क्योंकि अब हमारा फोकस गर्ल्स के ऊपर है। ठीक है, तो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने पे है, तो टोटल गर्ल्स कितनी है, 12 है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं इज इक्वल टू 12/30, ये प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, और अब हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कॉइन इज टॉस्ड
4 times. 4 dafa toss kiya gaya, theek hai. The top shows kitni probability hai ke all heads aaye, yani ke charon dafa heads aaye. Aur second part iska hai ki kitni probability hai ke two heads aaye, do dafa heads aaye aur do dafa tails aaye. ये दोनों हमने फाइंड करने हैं, ठीक है. सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सबके सब हेड्स आएं, ठीक है. फर्स्ट पार्ट तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बनती हैं, ठीक है. अब मैं यहां से चार दफा जो है वो टॉस करता हूं तो यूं भी हो सकता है कि चार दफा हेड आए, ठीक है. यूं भी हो सकता है कि पहले तीन दफा हेड आए उसके बाद टेल आए. यूं भी हो सकता है कि पहले दो दफा हेड आए फिर दो दफा टेल आए. अब ये मैं सारी इस तरह से कॉम्बिनेशंस में चेक करने के बजाय मैं ऐसा करता हूं, अब कोई बड़ी हमें यानी कि तादाद दे दी हो, यानी कि अभी तो है ना कि चार दफा टॉस करना है. अगर मुझे कह दिया जाए 10 दफा टॉस करना है, मैं 10 के उस तरह कॉम्बिनेशंस बनाता रहूंगा, नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा यानी कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा. फिर हम इस तरह से कर सकते हैं कि आप देखें 2 raised to power कितनी दफा टॉस किया जी, 4 times. तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, 16 सैंपल्स बन सकते हैं वो, ठीक है. NFS is equal to 2 power 4, क्योंकि अगर एक दफा टॉस करते हैं हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आती हैं, या हेड या फिर टेल, दो पॉसिबिलिटीज आती हैं. आप इसे 2 raised to power से चेक कर सकते हैं कितनी दफा टॉस किया, एक दफा. 2 raised power 1 is equal to 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है. अगर दो दफा टॉस करें कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, head tail tail head. अब बल्कि दो दफा टॉस करना है, head tail का combination आ सकता है, tail head का combination आ सकता है, head head का combination, tail tail का combination, चार possibilities बनती हैं. तो दो दफा टॉस किया, 2 raised to power 2 आप चेक कर सकते हैं इक्वल टू 4, ठीक है. मतलब कि आपको मैंने फार्मूला बता दिया कि आप चेक कर सकते हैं कि इतने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है. अब यहां से आपको कॉम्बिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद फाइंड कर सकते हैं कि मैंने जो है वो चार दफा टॉस किया तो 2 raised to power 4 वो 16 के इक्वल आता है, यानी कि टोटल सैंपल्स हमारे पास 16 बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारे पास 16 बनती हैं. अब यहां से हमने चेक करना है कि हेड जो है वो कितनी दफा आएगा, उसमें से लाजमी बात है अगर ए ये मैं हेड 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 एक कॉम्बिनेशन लिखता हूं, इसके अलावा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा जो चारों दफा हेड होगा, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है. तो इवेंट भी एक है तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि इवेंट है, ठीक है. तो n ऑफ e इज इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 1/16, ठीक है. इतनी प्रोबेबिलिटी है कि चारों के चारों दफा हेड्स आएंगे. और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास दूसरा पार्ट था कि दो हेड्स हो, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स. अब यहां से देखें उसके कॉम्बिनेशन हम बना के चेक कर सकते हैं कि हेड हेड दो हेड्स और दो टेल्स इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है. या फिर दो टेल्स और दो हेड्स इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है. या फिर टेल हेड इस तरह से आ सकते हैं, या फिर हेड टेल इस तरह से आ सकते हैं. और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता ना, दो का कॉम्बिनेशन इसी तरह से बनता है. तो फिर ये है कि इसमें हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बने हैं, इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है. कौन सा वाला, हेड टेल हेड, ये नहीं बन सकता. बन सकता है, पहली दफा टॉस करें तो हेड आए, फिर टॉस करें टेल आए, फिर टॉस करें टेल आए, फिर टॉस करें हेड आए, ठीक है. ये कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, टेल हेड हेड टेल, ठीक है. इसके अलावा आप देखें कोई और कॉम्बिनेशन बनता है, नहीं और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ठीक है. तो इसको आप जो है कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास एन ऑफ ई आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 है. तो अब आप जो टोटल सैंपल्स आपको पता है कि 16 है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कितनी आएगी, 6 / 16, ठीक है, यानी कि 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है. तो ये हमने
कैलकुलेट की। यहाँ पर ये एक्सरसाइज है 7.5 एंड होती है, और यहाँ पर इस लेक्चर को भी ख़त्म करते हैं।